रवींद्र रघुवंशी यांनी NH 48 ट्राफिक ग्रुप चालू केला, ज्यात श्री राजीव अग्रवाल व श्री हिरेन सावला हे सदस्य आहेत. या समूहाकडून प्रेरणा घेऊन श्री जेम्स कमनापूजा यांनी केरला समाजाची मदत घेऊन आज दिनांक 11/8/2024 रोजी सातीवली चिंचोटी हद्दीत 11 ते 1 दरम्यान NH 48 मुंबई अहमदाबाद महामार्गावरील खड्डे होत असलेले निकृष्ट दर्जाचे रोडचे काम, तासनतास ट्रॅफिक जाम आणि हायवे 48 तासवर किती लोकांचे हाल होतात, महिलांचे वयोवृद्ध लोकांचे पेशंटचे होत असलेले अपघात, या रोडची परिस्थितीमुळे जीवनमानावर होणारा परिणाम, त्यामुळे होणारा वेळेचा आणि पैशाचा अपव्यय, या विरुद्ध वसईमधील नागरिकांनी ॲक्शन काउन्सिल NH 48 माध्यमातून श्री जेम्स खन्नापूज यांच्या नेतृत्वामध्ये सातीवली ब्रिज ते चिंचोटी नाका ब्रिज दरम्यान मुंबई वाहिनीवरती सायलेंट वुमन चैन रॅली आयोजित केली होती. त्यामध्ये 200 ते 250 नागरिकांनी सहभागी होऊन शांततेत रोडच्या बाजूला उभे राहून रोडच्या स्थितीबाबत बॅनर दाखवून आपला रोष व्यक्त केला. सदरची रॅली शांततेत पार पडली. आपका नाम? मेरा नाम जेम्स है और हमने जो आंदोलन कर रहे हैं आज, ये जो कॉन्क्रीटाइजेशन का जो काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है, ये काम बिल्कुल सही नहीं हो रहा है. और कितने भी काम किया है वो उसका रिजल्ट है कि खड्डा वड्डा ज़्यादा ही बढ़ गया है. हर दिन मौत होता है, हर दिन एक्सीडेंट होता है, लोगों का टाइम, लोगों का पैसा सब बर्बाद होता है. हमको कहीं जाना है कोई काम से तो टाइम पे हम लोग पहुँच नहीं पाते. कितना लोगों का फ्लाइट मिस हुआ है, कितना लोगों का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिस हुआ है, रास्ते के ऊपर बहुत हुआ है कि हॉस्पिटल जाते जाते, क्योंकि ट्रैफिक जाम में 3-3, 4-4 घंटा लोग फंसते हैं. तो हमने सोचा कि गवर्नमेंट को लिख लिख के तो हम थक गए हैं, तो हर एक संगठन मिलजुल के साथ में आके रास्ते के ऊपर एक चुपचाप आंदोलन जो होता है, मौन व्रत आंदोलन हमने करने का कोशिश किया. आज इतने लोग जमा हुआ है और ये हमारा आज का रैली का ये हर 5 साल पे आप चुन के एक प्रतिनिधि देते हो कि आपके जो है एरिया का विकास होएगा. आप कितना जिम्मेदार पॉलिटिशियन को मानते हो जो आपके सांसद और विधायक है? देखो, ये जो करप्शन की बात है वो एक स्टेज बाय स्टेज होता है. जहाँ से काम चालू होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहाँ और जो उनको जिसको काम देते हैं वो सभी लोग इसमें करप्शन में पड़े हुए हैं. इसके लिए ये रास्ता बराबर नहीं है. इसी पालघर जिले से 6 आमदार इसी रूट से जाते हैं विधानसभा के लिए. उनकी नज़र में डेली आता है लेकिन फिर भी अनदेखा करते हैं. क्या कहेंगे? लोग देखो, जो लोग आते जाते हैं यहाँ से, उनका सबके नज़र में, वो भले हो नेता हो या अभिनेता हो या आम आदमी हो, सभी को पता है कि रोड का कंडीशन ख़राब है. लेकिन नेताओं का क्या है मुझे पता नहीं. हम आम आदमी को जो तकलीफ हुआ है वो हम बताना चाहते हैं गवर्नमेंट. आप सवाल पूछ सकते हो, आप टैक्स भरते हो, आप उनको चुन के देते हो, आप सवाल क्यों नहीं करते? सवाल के तरफ से ही हमने ऐसा आंदोलन किया है. लिखा हुआ है उनको उनके ग्रीवेंसेस सेल के ऊपर लेटर लिखा हुआ है. गडकरी जी के ऑफिस में NHAI का चेयरमैन साहब को, जनरल मैनेजर को, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ. उन्होंने काले आश्वासन देते हैं कि काम चालू है, काम करके देंगे. तो ये क्या मान के चले कि आने वाले विधानसभा में ये जनता सबक सिखाएगी प्रतिनिधियों को? वो तो देखो, जनता कैसा उसके ऊपर अभी निर्णय लेता है मुझे पता नहीं है. तो पॉलिटिक्स और इसमें हमको कोई लेना देना नहीं है. हमको करना है जो हमारे जो तकलीफ है वो हमको दिखाना है. ये व्हाइट टॉपिंग टाइम खराब हो गया, अच्छा रोड पैसा खराब हो गया, अच्छा रोड खराब हो गया. एक चीज़ अच्छी जरूर हुई है कि लोग आप जरूर खड़े हुए हैं बोलने के लिए कि काम सही नहीं ये कोई पॉलिटिक्स के माध्यम से आज का आंदोलन था या आम जनता के माध्यम? नहीं, ये नॉन पॉलिटिक्स, नॉन रिलीजियस, नॉन कास्टिस, बिल्कुल ह्यूमन राइट्स के वैल्यूज के ऊपर ही इसको बनाया गया है. मौन भारत आवाज है. हे पहिलं आव्हान असेल आमच्या सरकारला, जे केंद्र सरकार असेल किंवा राज्य सरकार असेल. आज आमचा मुखमोर्चा आहे कारण ही लोकांची जो जनआक्षोभ आहे, हा जनआक्षोभ तुम्हाला दाखवण्यासाठी असेल. त्यानंतर आमचं नेतृत्वाची स्टेप असेल, त्या संदर्भात नक्की आम्ही आपल्याला कळवू देतील. धन्यवाद. गडकरी साहब, देखिए, आपका जो शायद आपके मन में कुछ इच्छा होगी कि ये जो सारा सड़क है ये तालाब बन जाए और कमल खिले और फिर उस पर कश्ती चलाई जाए,
वो लोग वैसे ही करने वाले, यही होने वाला है। और आपके इसके साथ ये जो डिसीजन अच्छा होगा कि एनवायरनमेंट की बहुत सेविंग होगी या पोल्यूशन नहीं होगा, यार आपका ये सोच के हिसाब से रोड नहीं बना है। मुझे तो लगता है कि अगर आपका ये सोच है तो बहुत अच्छा है, इसके लिए हमारी तरफ ब्लेसिंग है आपको। ये सारे लोग गाड़ी छोड़कर अभी तालाब पे नदी चलाएंगे या फिर चप्पू चलाएंगे और अपने ऑफिस जाएंगे और सब गाड़ियाँ अपने घर में पार्क करके बैठ जाएंगे। आज अपना सब तुम्हें समस्त नागरिक है टैक्स भरते। बोला बोला बोला। तो हम औरतें भी अभी इसे ये जुलूस में हम लोग ने ये शामिल किया है क्योंकि हम बस हो चुका है अभी, क्योंकि हम जब भी वसई से विरार और यहाँ हाईवे में आते हैं बहुत सारे खड्डे हैं, कभी कभी हमको काम जाने के लिए हमें बहुत लेट होना है, बहुत तकलीफ होता है। हमारे टैक्सीज लिए जाते हैं और क्या होता है वो टैक्सीज के साथ हमें कुछ नहीं मालूम। इसलिए नितिन गडकरी जी अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज़ इधर आ जाओ और देखो ये रास्ते को। अगर आपको लग रहा कि ये सिंगापुर का रास्ता है, नहीं भैया ये आफ्रिका से भी ज़्यादा कम गिना हुआ रास्ता है, तो प्लीज़ आ जाओ। औरतें की मौत हो रही है इधर और बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं जा पा रही है टाइम पे हॉस्पिटल में। आप प्लीज़ हमारी आवाज़ सुनो इस बार और यहाँ पे आ जाओ और इन्वेस्टिगेशन करो। मैं इधर पूरे महाराष्ट्र को भी बोलना चाहती हूँ, आप भी यहाँ पर एक बार इधर अपना रैली का आयोजन करो। आपको भी पता चलेगा कि ये जो 40 मिनट का रास्ता है बरौनी से यहाँ तक आपको 2 घंटा लगेगा इधर आने के लिए। आप प्लीज़ यहाँ पर ध्यान दो। हम जो इधर रहते हैं हम इधर अपना टैक्सी और अपना खून पसीना करके हम काम पे जाते हैं, तो इसलिए हमारा ध्यान रखो। हम भी औरतें अभी उठ चुकी हैं और हमने भी अभी ये जो मोर्चा है हमने भी इसमें हिस्सा लिया है। थैंक यू। त्याच्यानंतर आम्ही एक ॲक्शन कमिटी पण तयार केली, त्याचे जेम्स हे राजीव अग्रवाल, त्याच्यानंतर हिरेन सावला म्हणून ते उद्योगपती आहेत सगळे। ॲक्च्युली काय आहे की हा रोड जो आहे जवळजवळ मी 20 वर्ष या रोडवर वापीपर्यंत प्रवास केलेला आहे। हा रोड अगदी रनवे ज्याला म्हणतात विमानतळाचा रनवे तसा हा रोड होता। अजूनही तुम्ही खानिवडी नाकाचा क्रॉस केला तर तुम्हाला दिसेल की हा रोड अत्यंत चांगला आहे। हा रोड का तयार केला हाच एक मोठा प्रश्न आहे। बाकी याची जी हे आहे क्वालिटी ज्याला म्हणू ते तर आपल्याला सगळं दिसतंच आहे। आता याच्यानंतर जर पुन्हा हे आंदोलन करून जेम्सनी जे आंदोलन केलेलं आहे ते जर झालं नाही तर आम्ही कोर्टामध्ये हायकोर्टामध्ये PI दाखल करण्याचा आमचा विचार आहे। आम्ही त्याच्यासाठी आता एकत्र आलेलो आहोत, बऱ्याच संस्था आहेत त्याच्यामध्ये आणि आमचं हे पुढचं पाहुण असणारे PI हे जर लोकांचं लक्ष दिलं नाही राजकारण्याचं। धन्यवाद। काहीतरी बोला। क्वालिटी रोड चाहिए। क्वालिटी रोड चाहिए। रोड मत दो, क्वालिटी रोड दो। आंदोलन में वसई विरार से करीब 1000 लोगों ने पार्ट लिया है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि NH 48 रोड अच्छे से बना दीजिए, कृपा करके, यही हम लोग का रिक्वेस्ट है। मोर्चा के माध्यम से जो आए हुए से सब जो हमारे आयोजक है आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और आगे की हम लोग आपको काउंसिल की तरफ से आपको क्या लगता है कि आप जो है एक जो है ना सिटी के एक जो है जिम्मेदार नागरिक है, हर 5 साल पे आप विधानसभा के जो है विधायक चुन के देते हैं, हर 5 साल पे आप सांसद चुन के देते हैं, सेंटर में जो है BJP का राज है, महाराष्ट्र में भी BJP का राज है, आपके पालघर ज़िले में BJP के ही प्रतिनिधि हैं, आपके विधानसभा में जो है BJP समर्थित ही विधायक है और आप एक जो है ना टैक्स भरते हैं, आपको कौन सी सुविधा मिलती है बताइए। हम इसी को पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए पॉलिटिकली इसको यूज करना नहीं चाहता है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट हमने चुन के भेजता है स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक गवर्नमेंट की जवाबदारी होता है उनका सिटीजन का सेफ्टी एंश्योर करने का। सर जवाबदारी आपकी होती है, 5 साल आप चुन के जी को अच्छा मान के देते हो उसे हिसाब लेने का आपका टैक्स, ये भी मत भूलो। हमेशा मैं समझता हूँ ये लोग है ना, लोग समझता है, सब समझता है, जो लोग समझता है जो काबिल है लोगों का सेवा करने का वही लोग प्रतिनिधि हो जाता है। कुछ फालतू या और कुछ ऑफर्स दे के या प्रोमिसेस दे के चुन के आता है उसका लाइफ 5 साल का लिए और 5 साल के बाद में वापस जो लोगों के पास आना है वही लोग डिसाइड करेंगे किसको चुन के भेजना है। अगर ये फेल हो रहा है ये सब तो मालूम है, फेल हो चुका है, लोग
और कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढेगा लोगों की सेवा करने वाले लोग। पहली बार बस है जैसे मुंबई नेशनल हाईवे पे इतना बड़ा जो है शांतिय प्रिय से आंदोलन हुआ, इसके पहले कभी भी नहीं हुआ था। कहाँ आपसे चूक। महान्यूज 7 साठी गोवर्धन बिहाड़े, वसई, पालघर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। आर एड्रेस विनोबा नगर, खरपी रिंग रोड, नागपुर। आर कॉन्टैक्ट 8668792352, 9801980100। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल कार्यपाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, पीसीओडी एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे सस्ते हॉस्पिटल सारे आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस कारे आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7558387079 और 9423105824।